उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार खबरें आ रही है, लगातार खबरें आ रही है रामनवमी पर, रमजान पर। यहां पर इस मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया, वहां पर भगवा झंडा लहराया गया, यहां पर तोड़फोड़ हुई, यहां पर पत्थर फेंके गए, तमाम इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही। लेकिन इसी बीच में मोहब्बत का पैगाम भी आ रहा है, इंसानियत की, भाईचारे की मिसाल भी कायम की जा रही है और उसको भी देखना चाहिए। किस तरह से रमजान चल रहे हैं और रमजान के बीच में रामनवमी भी आई, नवरात्रे भी आए, और यहां पर दो खास अलग अलग समुदाय के, दो खास अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अपनी अपनी तरह से कोशिशें भी की। कुछ लोगों ने आग डालने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, कुछ ने आग लगाने की कोशिश की, कुछ ने पानी लगाने की, जो पानी डालने की कोशिश की। लेकिन कुछ एक तस्वीरें जो है बड़ी शानदार है। एक तरफ आपने देखी दिन भर जो है वो लगातार खबरें आप देखते रहे होंगे इन दिनों कि फला फला जगह पर आग लग रही है, पत्थरबाजी हो रही है, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, इस तरह की खबरें भी आई। राजस्थान से खबर आई है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंशुमान ने ये खबर डाली है और इसमें लिखा है कि भंडारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा भंडारे का ऑर्गेनाइज किया गया है और ये रामनवमी के दिन हुआ है, राजस्थान के अंदर ही हुआ है। ये वीडियो जो है वो आपके सामने है, देखिए किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो आगे आकर के, और इसी करौली के अंदर, राजस्थान की करौली के अंदर जो है वो किस तरह से हिंसा भड़की, कितने लोगों के घर जला दिए गए, वो सब आपके सामने है। अब मुसलमान यहां पर आगे आकर के, मुसलमान जो है यहां पर भाईचारे की, इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को जो है वो शरबत पिला रहे हैं। वो एक खास किस्म के, खास विचारधारा के लोगों ने जो है वो आग डालने की कोशिश की, नफरत डालने की कोशिश की, लेकिन वो शरबत से उसको मीठा कर रहे हैं, शरबत से उसको ठंडक पहुंचा रहे हैं। वीडियो आप देखिए। मैंने कहा था कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, लेकिन मेरा काम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। ये जिगर इलाहाबादी का जो शेर है, जिगर इलाहाबादी ने जो पंक्तियां लिखी हैं वो इसीलिए लिखी हैं, कुछ लोग हैं जो आग लगाने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से प्यार मोहब्बत भाईचारा लुटा रहे हैं। एक और आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आप एक ट्वीट किया है मोहम्मद इरशाद ने और इन्होंने लिखा है कि रमजान में मुसलमानों ने कादरी चौक पर गुलबर्गा में ये हुआ है और रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में जो हिंदू शामिल हुए उनके समुदाय को यहां पर शरबत पिलाने का काम किया है, लंगर छिटाने का काम किया है। देखिए इसी तरह से हमने देखा था किसान आंदोलन में भी, चाहे बिरयानी, मीठी बिरयानी जो सेवैया कहिए उसको आप, वेज बिरयानी कहिए, वो खिलाने का काम किया। इसी तरह से अलग अलग जगह पर शाहीन बाग पर हमने देखा था कि कई सारे सिखों ने जो है वो लंगर बिरयानी के और पूरी सब्जी के, चावल के लगाने का काम किया। तो देश इसी तरह का है। इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि जरा सा इसमें नफरत का तड़का लगाएंगे हम चुनाव जीत जाएंगे, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उस नफरत को धोने का काम करती है। इसलिए इन तस्वीरों को देखना, महसूस करना और लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वीडियो आप देखिए। इस दौर में, मौजूदा दौर में इस तरह की खबरों को आगे तक जरूर पहुंचाइए, इस बात के लिए कि शायद जो नफरत की चिंगारी भड़काई जा रही है और उस चिंगारी की आड़ में, उस चिंगारी की लपेटे में हर कोई आ रहा है। जो कोई देख रहा है वो इधर का देख रहा है, उधर का देख रहा है, तो निश्चित तौर पर इंसान है, इंसान की फितरत है गुस्सा करना, इंसान की फितरत है बेकाबू हो जाना। हर कोई जो है वो जिस तरह की लगातार खबरें दिखाई जा रही, जो खबरें लगातार आ रही हैं उसकी वजह से निश्चित तौर पर जो है वो लोगों में गुस्सा पनप रहा, इसीलिए इस तरह की खबरों को आगे तक पहुंचाना जरूरी है। विनोद कापड़ी ने लिखा है, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से लिख रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंसा नफरत को अपने मौन समर्थन से इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक अजीब सी चुप्पी साध ली है। किसी का अंगूठा टूट जाए ना, शिखर धवन का एक अंगूठा टूटा था, मोदी जी का फटाक से फीटा है, और कुछ इधर उधर हो जाए फटाक से मन की बात में घंटों जो है वो अपने लगा देते हैं। लेकिन इस तरह की बात जब लगातार
एक प्रदेश से नहीं, दो प्रदेश से नहीं, तकरीबन तकरीबन हर एक प्रदेश से उत्तर भारत के जो है वो आ रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अब किस किस प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात आप करिए, हर जगह से खबरें आ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मौन है, चुप है, उनकी चुप्पी को क्या समझा जाए। और ये जब होगा तब, और जब होगा ये हालात सबके लिए भयावह होंगे, सबके लिए होंगे। इस देश को बचाना, मीडिया और न्यायपालिका को तुरंत इस जहर को, इस जहर पर बोलना होगा। इस देश को बचाना है तो मीडिया और न्यायपालिका को तुरंत इस जहर पर बोलना होगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप चुप हैं तो आपकी चुप्पी भी उसी अन्याय के अंदर जो है वो दर्ज है। और अगर आप बोल रहे हैं, चिड़िया जितनी, एक गिलहरी जितनी तो आप कोशिश कर ही सकते हैं। एक चिड़िया भी अपने पंखों के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ले जाकर के आग के अंदर डाल रही थी, और उसने यही कहा कि जब नाम लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि चिड़िया थी, उसने अपने पंखों से आग को बुझाने की कोशिश की। ना जाने जो है वो हमारे इस वीडियो के जरिए, आप वीडियो को शेयर करेंगे उसके जरिए जो है कितने लोग बदलेंगे, कितने लोग नहीं बदलेंगे, और कितने लोग ऐसे भी होंगे कि नहीं साहब देखिए हम लोग ही कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह की खबरों को, इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि जो नफरतबाज है, जो कट्टरपंथी है, उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा पड़े और उनको पता चले कि आपके मंसूबे इस देश के अंदर कामयाब नहीं होंगे। देश बहुत गहरा है, इस देश का जो भाईचारा है वो उससे भी ज्यादा गहरा है, बहुत बड़ा देश है। अब देखिए, अशोक गहलोत ने लिखा है, आज रामनवमी पर निकाली शोभा यात्रा का अनेकों स्थान पर मुस्लिम और सिख समेत दूसरे धर्म के लोगों ने स्वागत किया। यह भाईचारा हमारे प्रदेश की पहचान है और हमारी संस्कृति और तहजीब की यह प्रतीक है। तो आप देखिए किस तरह से जो है वो लगातार जो है वो आग में धकेलने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वो राज्य जहां पर हाल में चुनाव होने हैं, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में यहां पर चुनाव होना है। और क्या चुनाव के लिए स्पेशली जो है ये जमीन तैयार की जा रही है? ये चीजें हमको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इन चीजों को समझते हुए सोचते हुए ऐसी खबरों को तवज्जो देनी चाहिए, ऐसी खबरें जो पानी डालने का काम करें, लोगों के बीच में ठंडक पहुंचाने का काम करें, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम करने का काम करें, ऐसी खबरों को आगे पहुंचाइए। देखिए, राम और रमजान, रामनवमी, ये सभी जो है, अगर मैं बात करूं कि जो राशि होती है तो उनकी एक ही राशि है, एक ही अलंकार है, एक ही प्रकार के लोग हैं, सभी एक ही हैं। किसी ने टोपी डाली, किसी ने तिलक लगाया, किसी ने गमछा डाला, बस यही तो फर्क है। कोई राम राम बोलता है, कोई सलाम वालेकुम बोलता है, यही तो बस फर्क है, और क्या फर्क है? और ये कोई फर्क नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई सुप्रभात बोलता है। तो ये इंसानों ने अपने बीच में कभी एक दूसरे के प्रति इस तरह की कट्टरता नहीं देखी थी जो कट्टरता मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं। इसलिए ऐसी कट्टरता को, ऐसी नफरत को, ऐसी आग को आप पानी से बुझा सकते हैं। गंदगी को गंदगी से कभी साफ नहीं किया जा सकता। सब धर्मों के लोगों को, सब मजहब के लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को, जो अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं उनको भी, और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। तो बहरहाल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन एजेंडे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।